तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर वन हिंदी को जिन लोगों ने जेनरिक इलेक्टिव, जिसे शॉर्ट में जी या फिर जनरल के रूप में रखे हैं, तो आपको पेपर इस टाइप का देखने को मिलेगा। अब आइए देखते हैं सेमेस्टर वन बीए जीई या जेनरिक इलेक्टिव या फिर जनरल में पेपर इस टाइप का आएगा। 2022 में पूछा गया पेपर है जून में, और टाइम 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80 होता है, और यह भारत के सभी सरकारी यूनिवर्सिटियों के लिए है। प्राइवेट का मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं अगर आप लोग जेनरिक इलेक्टिव में रखते हैं सेमेस्टर वन में, तो आपको इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। हाँ, आपके मार्क्स अलग हो सकता है, जैसे कि फुल मार्क्स कोई कोई यूनिवर्सिटी 100 नंबर का रखता है, कोई 80 नंबर का, तो इन सब में आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा सबका सेम रहेगा, सबका सब्जेक्ट सिलेबस सेम होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे ग्रुप ए खंड ए में बांटा गया है सबसे पहले, और यह कंपलसरी सेक्शन है। इसमें आपको प्रश्न संख्या एक को दो भागों में बांटा गया है। भाग ए में आपको एक अंकों वाले 8 प्रश्नों के आंसर देने हैं, एक अंकों वाले 8 प्रश्नों के आंसर, और ये 8ों प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसका आंसर आपको स्वयं टेक्स्ट बुक से फाइंड करना होगा या फिर आपको गूगल से, क्योंकि आंसर मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं ये सब पढ़ाई नहीं करता हूँ यार, मतलब कि पढ़ाई कर नहीं करने, मतलब कि एक दोस्त से मांगा हूँ और उनसे मांग रहा हूँ, ये मेरा क्लास का नहीं है, ठीक ना। तो पहला है, हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ, संस्कृत, अपभ्रंश, उर्दू या प्राकृत। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत। ग नंबर है, लिपि किसे कहते हैं। ऑप्शन वन है, भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए किए गए चिन्हों की व्यवस्था को, तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा। दो नंबर है, भाषा के लिखित रूप को या फिर किसी भी लिखित भाषा को, या इनमें से कोई नहीं। घ नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। पांचवा प्रश्न है, देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है, पंजाबी, हिंदी, उर्दू या बांग्ला। छठा प्रश्न, भारतीय भाषाओं में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो 22 है जी, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। छठा प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है, झारखंड की राजकीय भाषा क्या है, तो झारखंड की राजकीय भाषा भी हिंदी है, बिहार की भी राजकीय भाषा हिंदी है, उसके बाद मध्य प्रदेश की भी हिंदी है, छत्तीसगढ़ की भी हिंदी है, यूपी की भी हिंदी है, हिमाचल प्रदेश की भी हिंदी है, उत्तराखंड का मुझे मालूम नहीं, शायद संस्कृत है या हिंदी, इसमें कन्फ्यूजन है, तो एक दो राज्यों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें, किन्हीं दो प्रश्नों के आंसर देना है, वन का बी, और इसमें कुल मिलाकर वन प्रश्न संख्या वन आपका 16 मार्क्स का हो जाएगा। देखिए, पहला है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ऑप्शन टू में आप लिख सकते हैं, हिंदी की बिहारी बोली पर टिप्पणी लिखें। घ नंबर है, राजभाषा से आप क्या समझते हैं, और घ नंबर है, देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ। इन चार में से किन्हीं दो पे आपको लिखना है, उसी पे लिखिएगा जिस पे आप अच्छा लिख पाएँ और जल्दी लिख पाएँ, ठीक ना। अब आता है ग्रुप बी, और ग्रुप बी आपका 64 नंबर का है, कितने नंबर का, 64 नंबर, 64 नंबर, और इसमें जो आपको आंसर देना होगा, यह 16 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर देने होंगे, ठीक ना। और 16 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर दोस्तों आपको सबसे पहले 4 अंकों वाले को बता देता हूँ, 4 अंक वाले जितने हैं उसका आंसर आप लोगों को देना है, एक खड़ा पन्ना का एक साइड, एक खड़ा पन्ना में दो पेज होते हैं तो एक पेज में देना है, और 16 अंक वाले प्रश्नों का आप दे दीजिए तीन खड़ा पन्ना या फिर दो खड़ा पन्ना, मतलब दो खड़ा पन्ना मिनिमम और मैक्सिमम तीन खड़ा पन्ना, उससे ज़्यादा लिखिएगा तो समय की बर्बादी होगी, नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने करके देखा है यार, 77 में मैं अटक गया 77% से। चलिए, बीए में तो मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेगा, बीकॉम या बीएससी होता तो अलग की बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन, दो नंबर है, हिंदी के उद्भव और विकास पर निबंध लिखें। तीन नंबर है, हिंदी के राष्ट्रीय व्यापी रूप की विस्तार से चर्चा करें। चार नंबर है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन से हैं, कौन कौन है, और ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, विस्तार से आपको बताना है, विस्तार से विचार करें। पाँचवा प्रश्न है, सॉरी पाँचवा छठा है जी, पाँचवा ही है, हिंदी की
बोलियों का सामान्य परिचय प्रस्तुत करें। छठा है राष्ट्रभाषा। राजभाषा अलग है और राष्ट्रभाषा अलग है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला गया है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, राष्ट्रभाषा वो होती है जो किसी नेशनल की भाषा होती है, पूरे भारत की अगर राष्ट्रीय भाषा होती, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा वो है जो ज़्यादा मात्रा में बोला जाता है, और राष्ट्रभाषा वो है जो किसी राष्ट्र की भाषा होती है, ठीक ना। सातवां है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। आठवां है देवनागरी लिपि के विकास पर प्रकाश डालें। नाइन नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दें। पहला है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी पर अपने विचार रखें। ख नंबर है हिंदी कैसी और कब बनी, हिंदी कैसे और कब बनी भारत की आधिकारिक भाषा, कैसे बनी है इसको भी बताना है। ग नंबर है देवनागरी लिपि की गुणों की चर्चा करें। और आपका अंतिम प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। खड़ी बोली हिंदी, जैसे कि जो लोग अक्सर उर्दू लफ्ज़ का प्रयोग करते हैं उन लोगों के मुख से ज़्यादा खड़ी हिंदी आता है, जैसे कि दिल्ली वगैरह के क्षेत्र में तेरे को क्या जाता है वैसा बोलते हैं ना, बस वही सब खड़ी हिंदी है। तो ये है दोस्तों आपका BA सेमेस्टर 1 हिंदी जेनरिक इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर। आपको AICSE या फिर जब आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पे अपलोड है ज्ञान सागर में, आप जा करके देख सकते हैं एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इजीली जाइए देखिए एंड वहाँ से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप एग्ज़ाम में, किस टाइप के आंसर देने हैं सारा कुछ बताया गया है। एक मोटा मोटा अनुमान लगा लीजिएगा कि हाँ मेरा एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और मुझे आंसर इसका इस टाइप से देना है। एंड थैंक यू। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम उसका आंसर भी डाल देंगे आपको। एंड मुझे सर नहीं भैया बोलिएगा या फिर दोस्त बोलिएगा, ठीक है। थैंक यू।